आपकी जो जबरदस्त सफलता आपको ये योग देने वाला है, इससे अहंकार मत पाल लीजिएगा। शत्रु बनेंगे क्योंकि आपको सफल होता देख शत्रु परेशान होगा, तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन शत्रु को ऐसा डंडा मारेंगे आप कि शांत हो जाएगा। आप अपनी योग्यता साबित करने में सफल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल और सूर्य दो विशेष ग्रह भारतीय ज्योतिष में, इन दोनों का जब मिलन होता है, आग का आग से मिलन, तो क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है। मंगल सेनापति हैं, सूर्य जो हैं वो राजा हैं। जिस राजा के पास अच्छा बलवान सेनापति हो, उसकी सेनाएं हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती हैं। मंगल शूरवीर हैं। मंगल और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो दोनों की युति बनाती है पराक्रम योग या साहस योग। जुलाई के महीने में 16, 17, 18 और 19 तारीख शाम लगभग 5:25 तक कर्क राशि में ये पराक्रम योग बनेगा। ये पराक्रम योग आपकी जिंदगी में एक नया उत्साह, एक जुनून भर देगा। यानी आपके अंदर जोश और जुनून, कुछ करने की चाहत जाग उठेगी। जोश, जुनून और ताकत का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो लाभ है, और गलत तरीके से किया जाए तो बदनामी और न जाने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ऊर्जा से भरे हुए हैं। इन दोनों का मिलन जब पराक्रम योग बनाता है तो इंसान के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यश, मान सम्मान, पद, कीर्ति, पैसा सब कुछ दिलाते हैं सूर्य और मंगल। अब आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हम बताएंगे। आपकी राशि को क्या मिलेगा, आपको क्या सावधानियां रखनी है क्या नहीं रखनी है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपने चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो सबसे पहले हम आपकी राशि की बात करेंगे, फिर कुछ उपाय बताएंगे जिससे हम और अच्छे बेहतर रिजल्ट पा सके इस समय में। तारीखें फिर से बता देता हूं, 16, 17, 18 और 19 तारीख शाम 5:20 के लगभग तक, 20-25 मिनट के लगभग तक। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि की। आपकी राशि के लिए यह युति छठे भाव में होगी। आप सभी पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, ताकत का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। मैंने जो बोल दिया वही सत्य है। आप अपने काम में इतना जोश और एनर्जी लेकर आएंगे कि मानो 100 की स्पीड से काम करने जा रहे हैं, या अपने काम में ऐसी ताकत झोंक देंगे कि काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। आपके झगड़ों से आपको बचना होगा, छोटे मोटे झगड़ों से दूर रहना होगा, नहीं तो छोटे छोटे झगड़े बड़ी परेशानियों का कारण बन जाएंगे। शारीरिक रोग बढ़ सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, मांसाहार मसालेदार भोजन से पेट गड़बड़ हो सकता है, शत्रु से परेशानी हो सकती है, जुबान का बहुत तेज होना आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आप जबरदस्त सफलता को देखकर कहीं अहंकार को मत पाल लीजिएगा। आपकी जो जबरदस्त सफलता आपको ये योग देने वाला है, इससे अहंकार मत पाल लीजिएगा। शत्रु बनेंगे क्योंकि आपको सफल होता देख शत्रु परेशान होगा, तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन शत्रु को ऐसा डंडा मारेंगे आप कि शांत हो जाएगा। आप अपनी योग्यता साबित करने में सफल रहेंगे। कोई भी चैलेंज अगर आपके सामने आएगा तो आप उसमें सफल रहेंगे। नौकरी व्यापार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी कोशिशें सफल रहेंगी। आप नया
कोई पेशा या कहें कि नया व्यापार या नया काम शुरू करने के लिए बिल्कुल वक्त सही है, आप कर सकते हैं। कहते हैं ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। किसी नई दिशा में काम करना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो ये वक्त आपके लिए है, क्योंकि साहस और पराक्रम आपके अंदर है। भाग्यशाली तो आप हैं ही, मुकदमेबाजी में भी विजय प्राप्त करेंगे। क्रोध और पर काबू रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट अहंकार की वजह से आ सकता है। एक दूसरे को छोटा मत समझिएगा। आज आपका वक्त अच्छा है, कल उनका अच्छा था, तो उन्होंने आपका साथ दिया, तो आज भी आप उनका साथ दीजिए तो बढ़िया रहेगा। आप अपने उसूलों के पक्के होंगे, जो कह दिया सो कह दिया। दिमाग में गर्मी चढ़ी रहेगी, थोड़ा झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति भी आ सकती है। प्यार भी दिल से करेंगे, नफरत भी दिल से करेंगे, ये आपकी आदत में शामिल होगा। दूसरों पर शासन करना, दूसरों पर अधिकार जमाना, ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। छोटे भाई बहन व संतान से थोड़ा तनाव संभव है। हो सकता है आप उनको कुछ कहने कि ये करो वैसे करो, बच्चे हैं ना करें, तो आपको गुस्सा आ जाए। आप अपने बेकार के सपनों को भी कंट्रोल करें। ऐसे सपने जो आप देख रहे हैं, जो पूरे नहीं हो सकते या जिनका अभी वक्त नहीं है, उनको अभी देखकर उस पर पैसा खर्च करना और वक्त खर्च करना आपके लिए हानिकारक होगा। सपने वो देखिए जो पूरे हों, और सपने वही काम के होते हैं जिसकी वर्तमान में आवश्यकता होती है। तो अगर वर्तमान में आवश्यकता है तो उस पर पैसा और वक्त खर्च करिए, अगर नहीं आवश्यकता है तो टाल दीजिए। जबरदस्ती का हाथी अपने गले में मत बांधिए। आपको अपने बच्चों से तूतू मैं नहीं करनी है। नौकरी में जो सीनियर हैं उनसे तूतू मैं नहीं करनी है। किसी पर उंगली नहीं उठानी कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, तुम्हारी पोस्ट ऊपर है लेकिन जानकार मैं हूँ। ये मैं शब्द मत लेके आइएगा, क्योंकि जिसकी कुर्सी उसी के पास अधिकार होता है। तो ऐसे में बहुत से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपनी गप्पे मत मारिएगा, इधर उधर की लंबी लंबी बातें मत करिएगा। मामा मौसी से तनाव हो सकता है। आपके ऊपर कोई मुकदमेबाजी या कोई गलत आरोप लगाए जा सकते हैं। आप सूरज की रोशनी में सर ढक कर जाएं, यानी कि टोपी लगा लें या सर पे कोई स्कार्फ डाल लें लड़कियां, इससे बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यापार में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। खर्चे संभल कर करें। देश विदेश की यात्रा करने के भी अवसर आपको मिल जाएंगे, और मुसीबत के वक्त ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपके दिमाग पर एक सफलता का जुनून छाया होगा, एक अहंकार छाया होगा, जिसमें आप भगवान की सहायता को भी पहचानेंगे नहीं अक्सर, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसा वक्त है जहां पर ये दुनिया की बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, अगर ये विवेक और धैर्य से कार्य ले तो। जो भी लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं या किसी अन्य जगहों पर रक्षा कर रहे हैं, उनके अंदर जोश और जुनून होगा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्रोध घमंड अहंकार से बचें। आप अत्यधिक मेहनत करने वाले शानदार इंसान हैं, लाभ ही लाभ है। ये वक्त बढ़िया है काम काज को लेकर। आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े, बड़ी सफलता पाए। आपके साहस पराक्रम के आगे शत्रु टिक नहीं पाएगा। आप वो काम कर लेंगे जो काम दुनिया नहीं कर सकती है। आपके सीनियर आपसे खुश रहें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे आपसे नाराज ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पत्नी या प्रेमिका या पति या प्रेमी को नाराज ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीमारियों पर कंट्रोल करिएगा, और कोई छोटी मोटी गलती मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा, क्योंकि शनि की 7:30 भी चल रही है, तो कहीं कदम फिसला तो फिर नुकसान भी है। बहुत संभल कर चलना है, सफलता भी है और असफलता भी है। पैर फिसला तो खाई, और नहीं फिसला तो बहुत अच्छी मंजिल प्राप्त कर लेंगे अपने जीवन में। भूरी रंग की, ब्राउन कलर की चींटियों को गुड़ या गेहूं खिलाएं, यानी गेहूं का मतलब है आटा, गेहूं का पिसा हुआ आटा खिलाएं। हनुमान जी की उपासना और शिव जी की उपासना करें, बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। और ये देखिए, स्क्रीन पर एक लाजवर्द रत्न आपको दिखाई पड़ रहा है। इस लाजवर्द रत्न को धारण करने से शनि की 7:30 कंट्रोल होगी, गुस्सा कंट्रोल होगा, और काफी हद तक आपको सहायता मिल सकती है। इस लाजवर्द रत्न की कीमत जो है बहुत महंगी नहीं है, बहुत अच्छा रत्न है।
इसकी कीमत मात्र 2,000 रुपये है और अंगूठी में बढ़कर ये 2,500 रुपये का होगा, 2,500 का अंगूठी या लॉकेट में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप L10 लिखकर व्हाट्सएप करें, और अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो इसके अलावा भूरी चींटियों को गेहूं या गेहूं मतलब गेहूं का पिसा हुआ आटा या गुड़ खिलाएं, या दोनों को आपस में मिलाकर खिलाएं तो अच्छा रहेगा, और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। और जन्म कुंडली में कहीं कोई ग्रहों की समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार।